जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। अब आप बोलेंगे रोज कहाँ दिखाते हो यार, अभी एक्चुअली 6-7 दिन मैं बाहर चला गया था, वरना रोज आ रहा है अपना। और अगर आज भाव की बात करें तो भाव 22-23 रुपये तक रहा है, उधर बिक चुका है, इधर बिकना बाकी है, और 22-23 का ही मार्केट अभी मान के चलिए। और अगर आवकों की बात करें तो आवक कोई विशेष नहीं है, 2000 के आसपास कट्टे होंगे। और अगर स्टोर का भी देखा जाए तो स्टोर का भी कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 1500 के आसपास होगा। तो ओवरऑल जय जवान जय किसान जय किसान। और गुल्लू भैया से मिला था, गुल्लू भैया फोन आया था, भरत भाई आ नहीं रहे हो, कहा बहुत दिन में आए यार, क्या बात है यार, शादी ब्याह भी इतने दिन यार लड्डू पेड़े खा रहे हो शादी में। आज क्या आवक कम लग रही है? आज तो हाँ कम है। क्या है कि लोगों को मन में ये ऐसा आया, महाराष्ट्र में बात करी लोगों से तो कहना है कि भैया एक्सपोर्ट खुल गया है, वो कह रहे हैं किसान कह रहे हैं। अब मेरे को नहीं मालूम खुला कि नहीं खुला। चलो अपन पता करते हैं। उन्होंने कल जो है माल रोक दिया किसानों ने वहाँ पे महाराष्ट्र में। अच्छा, इस कारण महाराष्ट्र की प्याज और ये आवक जरूर रुक गई। यहाँ वाले आलू से आलू और प्याज, प्याज की भी कम, प्याज तो अच्छी खासी आज उसका। हाँ प्याज कम है ना, प्याज की भी कम है क्या? हाँ कम है, 40-45 तो होगी, माल नहीं होगी उधर है उतनी शायद, नहीं नहीं होगी। चलो जाके देखते हैं, बाकी जो भी है कि एक्सपोर्ट खुला कि नहीं खुला तो मैं थोड़ा पता कर लूँगा किसान भाइयों, उसके बाद जो वास्तविक चीज़ है वो लोग कहने के आपके सामने लेके आ जाऊँ। फिलहाल आवक बड़ी कम है, ये मान के चलो 2000 कट्टे होंगे सर, और कोल्ड का माने तो 3-3.5 हज़ार कट्टे आलू। हाँ आलू होंगे 4-4.5 हज़ार तो ओवरऑल वही आ रहा लगभग। और अभी समझ लो 5 हज़ार कट्टे 5 के आसपास। तो बाकी उधर का भाव ले लिया, भाव कोई 22-23 का ही रहा आज वैसे तो। हाँ और बाकी और आगे क्या रहता है मैं आपको बताऊँ। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। 16 रुपये ये कौन ज्योति वाला ही नहीं बिका भी, और ये LR वाला ये भी वही है, दोनों बाहर का। बाहर का 16 IS क्या है, अभी चालू हुआ क्या? IS तो हो गया, 22 पता गया, 22.5 गया। कौन सा वाला? ज्योति चिप सोना। और ये अपना भी और ज्योति भी दोनों 22.5 वो वाला 22.5 है। 23 बिका क्या ये वाला? क्या क्या जय जवान जवान आपका है, क्या भाव गया? 22.5 किशन भाई ये वाला गया, ये कौन सा ज्योति वाला ये ना है? सोना। अच्छा सोना चिप से ना चुप से ना ये निकल रहा घंटा। ये क्या गया? 22.5 तो किशन भाई ये वाला गया 22.25 रुपये के हिसाब से। और ये सोना चिप से कहीं ना कहीं, ये देखिए ये चिप सोना है कहीं ना कहीं, और गया 22.25। दादा साहब साथ में बात कर, क्या नाम है? कमल किशोर पाटीदार। पाटीदार साहब कहाँ से आए? बोला सर है। क्या भाव दिया आपने आलू आज? 22.25। दुकान नंबर 297। 297 चलिए। जय जवान जय किसान जय बलराम। आलू क्या होता है? 23 रुपये। ज़्यादा ज़्यादा ये जो कट्टे का आलू है 2000 कट्टे हो, 2.5 बस। क्या बात करते हैं यार, कट्टे का आलू तो ये यार स्टोर आलू है, स्टोर आलू भी है 1500। 1500 मतलब ओवरऑल अगर देखें अपन तो 3000-4000 के आसपास। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। लगा हुआ है IS क्या गया? ओपन 22-23 दोनों सोना और वो दोनों ही सोना भी 22-23। और ये ज्योति वाला? ज्योति 23 रुपये बढ़िया 23 बढ़िया। मार्केट कल मतलब शनिवार जैसे ही है क्या? सेम है। और ये 10 लगे ना इधर भाई, ये 10 रुपये लगा हुआ कहीं ना कहीं, फिलहाल 10 रुपये लगी हुई कहीं ना कहीं। 2051 क्या सेट ये ज़्यादा ज़्यादा बिकेगा? 2100 बिकेगा किसान भाइयों। ये कहीं ना कहीं है LR है कहीं ना कहीं, और ये गया 2000, ये 2100 लगा हुआ है फिलहाल, अभी बिका नहीं है, 2100 लगा हुआ है अभी नहीं गया। हाईएस्ट क्या गया आपने? नहीं बिका, ये मोटा वाला बेचा 21। ये कौन सा जो LR है? ये LR है किसान भाई, ये बिका 21 रुपये के हिसाब से कहीं ना कहीं, 21 रुपये के हिसाब से स्टोर का है, स्टोर वाला है, स्टोर वाला कहीं ना कहीं। और ये छोरी दीदी, और ये 800 लगा हुआ कहीं ना कहीं, ये इसी मिक्स है क्या? 8 रुपये सब मिक्स है भाई, मिक्स है ना, चला चला 8 रुपये 8 रुपये लगा हुआ कहीं ना कहीं। 800 800। ये क्या क्या सोना चिप? 800 800 800। अरे ये क्या गया? IS वही 22-23 वाले मार्केट है, वही है ना मार्केट, तो कोई ज़्यादा कोई चेंजेस तो नहीं है ना? नहीं कुछ भी नहीं है, वही सेम ना। चलिए जय जवान जय किसान। बारीक वाला देखो आप, बिल्कुल ये बच्चा एकदम बिल्कुल छर्री टाइप, ये 8 रुपये के हिसाब से गया, 8 रुपये पता नहीं वो 8 रुपये। चलो ये बंदा वो है
जो आलू प्याज के भाव बताता है और ये भाव लिखता है और कोई भी भाव लिखते हैं।